हेलो दोस्तों, तो हम लोग एम एस एक्सेल का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एम एस एक्सेल कहने का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके गाइस, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मीन्स एम एस एक्सेल को हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। पूरा डिटेल कहने का मतलब क्या है? पूरा डिटेल जो भी उसके सॉफ्टवेयर में रहता है सभी को हम समझेंगे। सॉफ्टवेयर में जो है बहुत सारा टैब रहता है, बहुत सारा टैब में बहुत सारा सेक्शन रहता है, सेक्शन के अंदर में सब सेक्शन रहता है, सभी को हम क्या करेंगे डिटेल में सीखने वाले हैं। ओके गाइस, तो एम एस एक्सेल ट्यूटोरियल इन हिंदी, ये क्या हो रहा है? हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स होने वाला है, तो इसको हम इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारा एम एस एक्सेल का सीरीज स्टार्ट कर रहा है, जिसमें हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। ओके गाइस, अगर आपको थोड़ा भी नहीं आता है, सॉफ्टवेयर ओपन करना भी नहीं आता है, तब भी आप इसको देख सकते हैं, आपको पूरा चीज़ बताया जाएगा इसमें। ओके गाइस, तो यहाँ पे कैसे कैसे होने वाला है वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम एम एस एक्सेल क्या करेंगे, अपने पूरा लाइव सॉफ्टवेयर पे हम करके दिखाएंगे। ठीक है, जो भी हम करेंगे आपके सामने वो होगा, और क्या चेंज करने हो से क्या चीज़ हो रहा है वो भी आपको पता चलेगा। ओके गाइज, तो साथ में आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में आप अपने सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर लीजिएगा, ताकि साथ में आप भी प्रैक्टिस कर पाएँ। ओके गाइज, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, तो यहाँ पे सबको हम वन जितना भी पॉसिबल उतना चीज़ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ सबके अंदर में जाके डिस्कस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सब के एक के अंदर में बहुत सारा सेक्शन है, तो बहुत सारा एक्सटर्नल सेक्शन है, तो क्या करना है उसमें, सिर्फ खुद को वहाँ पे देखना है और वहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करना है यानी का मतलब क्या होता है, जैसे आप हमारा वीडियो तो देख ही रहे, और साथ में वहाँ पे क्या करना है आपको, सॉफ्टवेयर भी ओपन करना है, और यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो करना है, और हम कुछ वहाँ पे कहेंगे क्या, ये आप खुद से करके देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा सेम चीज़ वही प्रकार से होगा। जैसे कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज हम एक कलर कर देंगे, और यह पॉसिबल तो है नहीं हर एक कलर को हम चेंज करके बताएं, तो एक कलर चेंज कर देंगे, कहेंगे क्या जो भी आपको कलर सही लगता है वो वहाँ पे आप उठा लीजिएगा। तो वहाँ पे आप करके देखिएगा, जो भी सेक्शन है सब सेक्शन है, तो वहाँ पे आपको करके देखना पड़ेगा। ओके गाइज, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा, जो भी बटन है सबका जानकारी मिल जाएगा, और सबका क्या काम है, कब काम करेगा, कैसे काम करना है, कहाँ पे इसका यूज होगा, सब कुछ आपको पता चलेगा। ओके गाइज, तो चलिए गाइज, ज़्यादा बात नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने एम एक्स ट्यूटोरियल को। ओके, और अभी हम लोग जानेंगे एम एस एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे जो भी सेक्शन वगैरह है, उस सेक्शन का क्या क्या नाम है उसके बारे में। ओके गाइज, तो चलिए ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर। मैंने तो अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, आप भी अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए, नहीं करने आता है तो चलिए बता देते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे अपने इस बटन पे जाइए, और यहाँ पे सिंपल लिखिएगा एक्सेल, तो यहाँ पे एक्सेल वाला आपको फॉर्मेट आएगा, तो इसको ओपन कर सकते हैं इंटर करके। ठीक है, तो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे नहीं करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे ही कर सकते हैं, विंडोज प्लस आर बटन दबाइए, और यहाँ पे आपको आएगा रन कमांड आ जाएगा, तो यहाँ पे रन में जाकर लिखेगा एक्सेल। ठीक है, एक्सेल का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करिएगा, एक्सेल का जैसा स्पेलिंग है वैसा लिखेगा, उसके बाद इंटर करिएगा, तभी आपका ओपन होकर आ जाएगा। ओके गाइस, इस प्रकार से आप भी इंटर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा हमने बहुत दो बार इंटर कर लिया, तो दो बार आ गया है। उसके बाद ऐसे नहीं तो एक और आपका है, जो आप क्या कर सकते हैं, नया फाइल बना के एक्सेल का, उसका भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कैसे करना है वो भी बता देते हैं। चलिए सबसे पहले हम सबको मिनिमाइज करते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे सबसे देखिएगा हम अपने अपना इंटरफेस पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे न्यू पे जाइएगा, और न्यू पे एक एक्सेल करके है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, तो इस पर जाकर क्लिक कर दिएगा और इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक फाइल बन गया एक्सेल का, और इस पर आप डबल क्लिक करिएगा तो आप ये इसका यूज़ कर पाइएगा, ये ओपन हो जाएगा एक्सेल। ठीक है, तो इस प्रकार से ओपन हो गया, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं गाइस, तब तक के लिए फिलहाल के लिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना ओपन कर लीजिए, ओपन कर लिए, तो चलिए यहाँ पे आप आगे कंटिन्यू करते हैं, और जानते हैं इसका हम जो भी इंटरफेस दिया गया उस इंटरफेस का क्या क्या नाम है। ओके गाइस, आपका ओपन हो गया, तो चलिए ओपन हो गया, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। तो सबसे ऊपर में देखिएगा, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, चलिए जूम करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर में जो है, सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है गाइस, सबसे ऊपर में यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम दिखाने का कोशिश करते हैं आपको लिख के। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे डब्बा बनाते हैं, यहाँ पे डब्बा में देखिएगा ये जो है इस टाइप का, ऊपर में सबसे ऊपर में देखिएगा, इसको इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस को टूल बार बोलते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको बोलते हैं गाइस क्विक एक्सेस टूल बार, समझ में आया, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, समझ में आया गाइस, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, जूम आउट कर देते हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, अब यहाँ पे ये हो गया क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो यहाँ पे आपको नाम लिखा आ रहा है, इसको फिर से जूम करते हैं, यहाँ पे आपको देखिएगा नाम लिखा आ रहा है, क्या यहाँ पे जो नाम लिखा आ रहा है, चलिए यहाँ पे थोड़ी इसको भी हाईलाइट करते हैं, ये जो है यहाँ पे आपका नाम लिखा आ रहा है, तो ये नाम लिखा आ रहा है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं टाइटल बार, जो भी हम आप सीट का अपना टाइटल देते हैं इसको बोलते हैं टाइटल बार। ओके गाइस, टाइटल बार हो गया। उसके बाद यहाँ पे चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टाइटल बार तो हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सर्च बार है, ये सर्च करने का काम करिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कॉर्नर में देखिएगा मिनिमाइजेशन का बटन है, उसके बाद
एक मेरा क्या है मिनिमाइजेशन का, एक साइज छोटा करने वाला है और एक कट करने वाले हैं, ठीक है। तो उस बटन के बारे में बात नहीं करते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ ऊपर वाला काम हो गया, उसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है। नीचे में देखिएगा यहाँ पे आपका जो नाम दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम हाईलाइट करने का कोशिश करते हैं गाइस। यहाँ पे देखिएगा ये सब जो दिया गया है, इसको ये जो है यहाँ पे जहाँ पे हमने हाईलाइट किया, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्प्रेड शीट नेविगेशन। स्प्रेड शीट नेविगेशन इसलिए क्योंकि इसका आप यूज़ करके अपने अलग अलग शीट पे जा सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्प्रेड शीट नेविगेशन। उसके बाद स्प्रेड शीट नेविगेशन होने गया, तो उसके बाद इसका यहाँ पे देखिएगा ये जो है, ये जो आपको दिखाया जा रहा है, इसको बोलते हैं क्या, वर्कशीट्स। तो यहाँ पे आप वर्क जैसे शीट वन है, वन है, टू है, तो यहाँ पे तीन शीट हमने ओपन कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वर्कशीट। तो यहाँ पे जो भी आप शीट ओपन करिएगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो शीट समझ में आया। अब इस कॉर्नर में चलते हैं, ठीक है। अब इस कॉर्नर में चलते हैं, तो इस कॉर्नर में देखिएगा यहाँ पे जैसे कि ऊपर करके दिखाते हैं थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं गाइस, ओके, अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो है देखिएगा, यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं, ओके गाइस। यहाँ पे देखिए इतना को बोलते हैं क्या, ये जो है ये इतना चीज़ को बोलते हैं क्या, पेज व्यू। ये जो चीज़ है इतना को बोलते हैं पेज व्यू। और उसके बाद इसके बगल में जो है, इसके बगल में जो है गाइस, जैसे यहाँ पे देखिएगा इसके बगल में जो है, ओके, इसके बगल में ये जो है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जूम बार। तो इससे आप जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये जो दिखेगा, ये जो है ये स्क्रॉल बार जैसा, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ओके। उसके बाद यहाँ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चलिए इधर देखिएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में जो ये है, नीचे यहाँ पे इस कॉर्नर में जैसे यहाँ पे देखिएगा हाईलाइट करने का कोशिश करते हैं हम, ओके गाइस। यहाँ पे हम हाईलाइट करने का कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा ये जो है ये इधर इस कॉर्नर में, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, क्योंकि यहाँ वर्टिकल में ऊपर नीचे करेगा, ओके। इतना चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद इतना हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ जो है ये इतना, जैसे यहाँ पे देखिएगा गाइस, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने का कोशिश करते हैं। ये जो है ये A1 करके जो लिखा है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। A1 करके जो लिखा गया है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। इसमें जो भी हम जिस भी सेल पे रहते हैं, उसका यहाँ पे नाम लिखा आएगा, ओके। उसके बाद ये जो है यहाँ पे फिर से हाईलाइट करते हैं, ये इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फार्मूला बार, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला जो भी रहेगा, वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसको बोलेंगे फार्मूला बार। उसके बाद फार्मूला बार तो हो गया, उसके बाद ये सब जो है ABCD करके जो यहाँ से वहाँ तक लिखा गया है, यहाँ पे देखिएगा पूरा जो लिखा गया है, इसको बोलते हैं क्या, जो ABCD पूरा यहाँ से वहाँ तक लिखा गया है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कॉलम्स, क्योंकि यहाँ पे कॉलम पे डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद कॉलम हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कॉलम तो हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो इधर है इस साइड में, इस साइड में है, तो इस साइड में इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रोज, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉलम भी हो गया, रोज भी हो गया। उसके बाद ये सब चीज़ हो गया, तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अब थोड़ा सा ये सब हो गया। उसके बाद चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, एक चीज़ और जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं गाइज, यहाँ पे देखिएगा ये जो पूरा चीज़ है इतना, इस पूरे को बोलते हैं क्या, इस पूरे को बोलते हैं रिबन। इस पूरे चीज़ को क्या बोलते हैं, इस पूरे चीज़ को बोलते हैं रिबन। रिबन हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये एक सेल जो है, यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर, ये एक डब्बा जो है, इस एक डब्बा को बोलते हैं सेल, एक डब्बा को बोलते हैं, ये जो बहुत सारा यहाँ पे आपको डिब्बा दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा आपको डब्बा दिख रहा होगा, ओके गाइस, बहुत सारा डिब्बा दिख रहा है, ओके। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक डब्बा जो है ये देखिए, ये एक डब्बा, ठीक है, ये एक डब्बा, इस एक डब्बे को बोलेंगे क्या, इस एक डब्बे को बोलेंगे हम सेल, ठीक है। जहाँ पे कॉलम्स और रोस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम सेल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताएं, तो जैसे यहाँ पे देखिएगा ये मेरा हम आठवां पे है, ठीक है, आठवां को यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये आठवां मेरा हो गया, और ये मेरा ई ई वाले पे है, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा जिस डब्बा पे ये डिवाइड किया, इस डब्बा पे डिवाइड किया है, तो इस डब्बा को बोलेंगे क्या, इस डब्बा को बोलेंगे सेल, ठीक है। जहाँ पे रोस और कॉलम डिवाइड करता है, तो उसको बोलेंगे सेल। तो ये आपको सेल भी क्या होता है वो भी मालूम चल गया, ओके। तो यहाँ पे लगभग लगभग हम सारा नाम जान गए किसको क्या बोल चीज़ बोलते हैं, ओके गाइस, किसको क्या चीज़ बोलते हैं, यहाँ पे हम सब कुछ जान गए हैं, ओके गाइस। तो यहाँ पे आई थिंक आपको मालूम चल गया होगा कि किसको क्या चीज़ बोलते हैं, ये आपको नाम क्लियर हो गया होगा, ओके गाइस, नाम तो क्लियर हो गया होगा सबको। यहाँ पे फिर से एक बार समराइज कर दे, ऊपर वाला चीज़ यहाँ पे जो है उसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, उसके बगल में है इसको बोलते हैं टाइटल बार, सर्च बार। उसके बाद यहाँ पे पूरा जो इस डब्बा को बोलते हैं रिबन, रिबन के बाद यहाँ पे एक सेल होता है, सेल के बाद कॉलम्स होता है, उसके बाद रोज होता है, उसके बाद यहाँ पे मेरा नेविगेशन वाले होता है सीट नेविगेशन, उसके बाद वर्कशीट वाला होता है, उसके बाद यहाँ पे जूम कंट्रोल होता है, पेज व्यू होता है, स्क्रॉल बार होता है, फॉर्मूला बार होता है, और यहाँ पे नेम वाला बार होता है, ठीक है, नेम बॉक्स यहाँ पे जिसको बोलते हैं। अब जिसका भी नाम जाना चाहते हैं, उस पर जाके थोड़ा देर होल्ड करिएगा अपने माउस के कर्सर को, तो वहाँ पे उसका नाम बता देगा, जैसे यहाँ पे नेम बॉक्स बता दिया,
इस पे आइएगा तो फॉर्मूला पर बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पर भी इसके जिसका भी नाम जाना होगा वहाँ पे जाके आप नाम उसका जान सकते हैं। ओके गाइज, क्लियर हुआ? ओके गाइज, तो आई थिंक आपको ये सब कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा किसको क्या चीज़ बोलते हैं। ओके गाइज, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, और अभी हम लोग जानेंगे एमएस एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एमएस एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें। ये सब चीज़ आपको एटलीस्ट आना चाहिए जिसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था क्या है, सेल है, इसको बोलते हैं सेल। अगर इसको आपको क्या होगा, जूम करना होगा और जूम आउट करना होगा, तो जूम करने के लिए आप सिंपल माउस का जो होता है माउस का स्क्रॉल व्हील उसको घुमाएंगे तो ये जूम हो जाएगा। ओके गाइज, यहाँ से नहीं तो यहाँ पे हमने बताया था इसको भी बोलते हैं क्या, जूम आउट और जूम इन, बता इसको आप से आप क्या कर सकते हैं, आप जूम कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं जिसे समझ में आए। ओके, उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिएगा, हमको अगर इसका जो भी यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, अगर इसका आपको क्या होगा, साइज बढ़ाना होगा, इसका आपको साइज बढ़ाना होगा। तो साइज कैसे बढ़ाएंगे, इसको साइज बढ़ाने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, इसके बगल में जाएंगे, इसके बगल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा है ये ए बी सी डी, इसको बोलते हैं क्या, कॉलम्स, और इसको बोलते हैं रोज। तो ए यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ए पे जाएंगे। ओके, हम ए पे गए और यहाँ पे ए पे जब जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा डंडी बन के आएगा, ठीक है। तो मुँह है यहाँ पे, तीर बन के आएगा, तो वहाँ पे तीर पे आ जाइएगा, डबल क्लिक करिएगा, और यहाँ पे जितना भी आपको साइज चाहिए होगा उतना बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम साइज बढ़ा घटा रहे हैं, तो जितना भी हमको चाहिए होता है हम यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी आपको साइज चाहिए वहाँ पे अपने मन मुताबिक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे इसका हमने कॉलम्स का साइज बढ़ाया, वैसे यहाँ रो का साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे वन पे आइए और वन पे जब मुहा तीर आ जाए उसके बाद क्या करिएगा, डबल क्लिक करके इसको नीचे करिएगा, ठीक है। तो इसका साइज बढ़ के आ जाएगा। ओके गाइस, समझ में आया हमने रो और कॉलम का कैसे साइज बढ़ाया, तो इसको जैसे था वैसे ही पहले छोड़ देते हैं। ओके गाइस, ये हो गया। उसके बाद इतना चीज जान गए, उसके बाद चलिए आप थोड़ा सा और आगे जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे अब आगे जानते हैं हम, आगे हम जानेंगे पूरा रो को और कॉलम को कैसे सेलेक्ट करना है। तो पूरा कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है तो ऊपर में जाइए, जिस कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है उस पर आइए, और नीचे वाला तीर आ जाए तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, नीचे वाला तीर आ जाए तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हमको देखिएगा इसी वाले कॉलम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो उस पर जाएंगे और नीचे वाला तीर आ जाएगा तो उस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा पूरा सी कॉलम जो है वो सेलेक्ट होकर आ गया है, ठीक है। सेम काम आप रो के लिए भी कर सकते हैं, जिस रो को आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पे जाइए और तीर वाला बन के आए तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो वहाँ पे देखिएगा पूरा जो मेरा थर्ड रो है वो पूरा सेलेक्ट होकर आ गया है, ठीक है। वहाँ पे मेरा पूरा, और अगर आपको पूरा को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे जो मेरा रो के ऊपर और कॉलम के इधर जो है वो जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाइए, जैसे यहाँ पे जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे जाइए और पूरा को सेलेक्ट कर दीजिए। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, पूरा रो और कॉलम सबको, पूरा सीट को अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, और यहाँ पे आप बी पे हैं, अगर मान लेते हैं आप जिस भी कॉलम पे, यहाँ पे बी पे रहिएगा तो यहाँ पे नेम बार में देखिएगा आपका जो भी जिस भी सेल पे रहिएगा उस सेल का नंबर बताएगा यहाँ पे नेम बॉक्स में। जैसे ए पे हम हैं तो ए का नंबर बता रहा है, यहाँ पे ए मतलब रो वाला नंबर और वन मतलब कॉलम वाला नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा डी पे जा रहे हैं, तो डी पे जाइएगा तो डी मेरा क्या है, कॉलम नंबर, और रो नंबर मेरा क्या है, फोर। तो यहाँ पे मेरा डी फोर इसका नाम बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम हम जानते हैं। ओके गाइज, और यहाँ पे आपको सबसे अगर नीचे आना है, अगर आपको सबसे नीचे आना है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए जहाँ इसमें कितना नंबर है, तो यहाँ पे आप सबसे अगर नीचे आना चाहते हैं कंट्रोल और एरो की जो नीचे वाला है तो वो इंटर करिएगा तो आपका सबसे नीचे आ जाएगा। तो सबसे नीचे आइएगा तो आपको मालूम चल जाएगा इसमें कितना रोज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना रोज है यहाँ पे, ओके। तो कितना रोज है मालूम चलेगा, और फिर से कितना कॉलम है वो मालूम करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल दबाइए और उधर वाला बटन दबाइए, तो एक्स एफ डी, एक्स एफ डी मेरा क्या है, लास्ट है। तो यहाँ पे इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं मुताबिक आपको जितना भी ज़रूरी हो, लेकिन यहाँ पे बाई डिफॉल्ट जो है मेरा एक्स एफ डी और लास्ट मेरा क्या है, 1048565 76, इतना मेरा क्या है कॉल रोज और कॉलम है, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना भी सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा इसका कितना भी है। फिर से आपको जाना है अपने ओरिजिनल स्थान पे, तो फिर से कंट्रोल के साथ एरो वाला बटन को दबाइएगा तो आप जा देंगे वहाँ पे। ओके गाइज, इतना चीज़ मालूम हो गया। और तो थोड़ा सा और चीज़ जानते हैं, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे 1 2 लिख रहे हैं, जिसको थोड़ा सा जूम करते हैं, जैसे यहाँ पे हम अगर कोई चीज़ आपको कहीं पर भी लिखना है तो वहाँ पे जाकर आपको टाइप करना है, कहीं पे आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वहाँ पे जाना है, टाइप करना है, कुछ भी लिख देना है। जैसे हमने ये चीज़ लिखा, उसके बाद यहाँ पे लिखने के बाद जैसे आप देखिएगा यहाँ से आप ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर इससे आगे हट जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा वो उसमें भी भाग गया, अगर ये उसमें भी भाग गया तो यहाँ पे क्या करना है, ये उसमें भी भाग गया तो क्या करना है, इस रो में तो एडजस्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आइएगा सिंपल अपने जहाँ पे भी उसको स्प्रेड करना है और वहाँ पे आकर डबल क्लिक करिएगा, तो ऑटोमेटिकली जितना भी हमारा लिखा रहेगा उससे आगे मेरा वो भाग जाएगा, ठीक है। तो पहले जैसा था वैसा ही कर देते हैं। ओके, उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिएगा आएंगे, कुछ कुछ लिख देते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे बगल, उसके बाद कहीं पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे जब क्लिक करके फिर से आप लिखेगा तो वो जो भी लिखे हैं वो हट जाएगा, जो भी लिखे हैं वो हट जाएगा। जैसे फिर से देखिएगा, हम यहाँ पे क्लिक किए, फिर हम उस पर अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उस पर जाएंगे और उस पर फिर से लिखेंगे तो वहाँ पे देखिएगा जो पहले लिखे थे वो हट गया। तो हम चाहते हैं वो जो हम लिखे हैं वो पहले ना हटे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखिए फिर से यहाँ पे जाना है और यहाँ पे वन बार एक बार क्लिक करना है, यहीं करके डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आपका कर्सर टिमटिमाने लगेगा, ठीक है, कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, उसके बाद लिखिएगा तो उसके आगे लिखाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो उसके आगे लिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा तो वो आगे नहीं भागेगा और वो क्या होगा, उसके आगे लिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम अगर 1 2 3 4 लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, जैसे देखिएगा एम एस एक्सेल मेरा क्या होता है बहुत स्मार्ट होता है, इसको थोड़ा सा हिंट दीजिए, बस थोड़ा सा हिंट दीजिए और ये खुद पकड़ लेगा जाके आगे करना क्या चाहते हैं। जैसे देखिएगा हम वन वन लिखते हैं तो ये अभी वन में नहीं पकड़ेगा जब हम आगे क्या चाहते हैं, ठीक है। वन लिखेगा तो ये क्या कहेगा, वन यहाँ पे जब अगर आप इस वन को रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आइए, ठीक है, इस सेल के इस कॉर्नर पे आइए, यहाँ पे देखिएगा एक थोड़ा सा बुंदा जैसा है, यहाँ पे आइए, ठीक है, इस बुंदा में जाइए और यहाँ पे आपका एक प्लस वाला सीन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जब इस पे आइएगा जहाँ पे आप लिखे हैं उस पे जाइएगा, उस सेल पे जाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे प्लस वाला साइन बनेगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लस वाला साइन बनेगा। तो इस मतलब प्लस वाला साइन को क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा लमारिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वाला साइन बन रहा है, देखिएगा प्लस वाला साइन बन रहा है, और इस मतलब प्लस वाला साइन को आप नीचे करिएगा, उसको डबल क्लिक करके नीचे करिएगा तो यहाँ पे 111 अपने आप लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा एम एस एक्सेल मेरा ऐसा समझा जो यहाँ पे 111 है हम रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ 111 कैसे रिपीट किए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिएगा हम फिर से लिखते हैं वन और नीचे वाला डब्बा पे लिखते हैं टू, नीचे वाला डब्बा पे लिखते हैं टू। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करने यहाँ पे क्या करना है, ऊपर जाना है, डबल क्लिक करके नीचे कर देना है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे फिर से जाइए प्लस वाला साइन पे। अब एम एस एक्सेल मेरा क्या है, समझ गया है क्या, वन के बाद टू था, टू के बाद क्या आएगा, थ्री। एम एस एक्सेल मेरा समझ गया है, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे इसको नीचे खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 अपने आप लिखा जाएगा, ठीक है। एम एस एक्सेल को हमने हिंट दिया जो वन के बाद टू, तो टू के बाद वो समझ गया थ्री आएगा फोर आएगा, तो वहाँ पे वैसे लिख देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम अगर पहाड़ा लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे टू, उसके बाद लिखेंगे फोर, तो एम एस एक्सेल मेरा क्या है, समझ गया है, क्या समझ गया है, जो टू के बाद आया है फोर, तो फोर के बाद क्या आएगा, टू के बाद आया है फोर, तो फोर के बाद अगला पहाड़ आएगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद फिर से प्लस वाला साइन बनाया, उसके बाद यहाँ पे खींच दीजिए, तो देखिए दो का पहाड़ आ गया लिखा हुआ, ठीक है। तो एम एक्स एक्सल को थोड़ा सा हिंट दीजिए और वो खुद खुद पकड़ लेगा जो हमको करना क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 में ही नहीं, अगर यहाँ पे आप संडे मंडे भी लिखना चाहते हैं तो उसे वो भी कर देगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं SUN, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, और मंडे को लिखते हैं MON, ठीक है। अब मेरा समझ गया है, एम एस एक्सेल समझ गया, संडे मंडे यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, तो पहले दोनों को सेलेक्ट करना है, अगर एक ही को घीच दीजिएगा तो वहाँ पे सिर्फ संडे संडे लिखा आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस वाला पे जाना है और क्या करना है, अपने सैटरडे तक जाना है, तो संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लिखा आ गया, ठीक है। ये शॉर्ट में ही ना, अगर फुल फॉर्म लिखना चाहते तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, संडे, और नीचे वाले में क्या करते हैं, अगर वहाँ पे आप अगर माउस से नहीं करना चाहते तो लेफ्ट वाले सॉरी एरो की से आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संडे लिख दे, उसके बाद मंडे लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद मंडे लिख देते हैं। तो एम एक्स एक्सेल मेरा आप समझ गया है, संडे मंडे यहाँ पे हम फुल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्लस वाले पे जाइए घीच दीजिए, तो यहाँ पे संडे मंडे पूरा लिखा आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ पे जाना है डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे संडे मंडे लिखा आ गया है। और इतना ही नहीं, अगर जनवरी फरवरी लिखना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा, तो यहाँ पे जन लिख देते हैं, उसके बाद एफ ई बी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एफ ई बी लिख देते हैं, ओके, सन यहाँ पे जनवरी फरवरी को लिख देते हैं गाइस पूरा, उसके बाद इसको नीचे खींच दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनवरी फरवरी पूरा मेरा लिखा आ गया है, ओके। अब यहाँ पे शॉर्ट में ही नहीं, आप पूरा लिखना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम पूरा फुल फॉर्म में लिख देते हैं जनवरी फरवरी, यहाँ पे जनवरी फरवरी हम पूरा लिख देते हैं गाइस, जनवरी उसके बाद लिख देते हैं फरवरी, यहाँ पे लिख देते हैं गाइस फरवरी, जनवरी फरवरी, ओके गाइस। तो यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करिए और मेरा आप समझ गया है ये एम एक्स एक्सेल करना क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे जनवरी फरवरी पूरा पूरा लिखा जाएगा। फिर इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एम एक्स एक्सेल को थोड़ा सा हिंट दीजिए और वो खुद ब खुद समझ जाएगा जो हमको करना क्या है, और वो खुद ब खुद करके दे देगा, ओके गाइस। अगर यहाँ पे चाहते हैं आप 2 से लिखें या फिर 1 से लेके 100 तक गिनती लिखना, 1 से लेके 100 तक गिनती लिखना, तो कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पे एम एक्स एक्सेल को थोड़ा सा हिंट दीजिए, थोड़ा सा हिंट दीजिए, ये खुद ब खुद समझ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, उसके बाद 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी तो एम एक्स एक्सेल नहीं समझ आ रही, हम यहाँ पे गिनती लिखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे खींचिएगा तो
यहाँ पे क्या होगा 20 तक, या फिर जितना दिन खींचेगा उतना थक जाएगा। तो यहाँ पे गिनती लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 11 बताएंगे और यहाँ पे हम 12 बताएंगे। अब एम एक्स का क्या है, समझ गया है, यहाँ पे ऐसे जाना है, उसके बाद ऐसे जाना है। तो यहाँ पे चलिए अब ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चलिए ऐसे, ये मेरा क्या हो गया, आप ऐसे पूरा को सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे चलिए सेलेक्ट करते हैं, ओके। यहाँ पे दोनों को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, ये जो मेरा है ये, और ये जो मेरा है ये, यहाँ पे दोनों को आप पहले क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे खींचिए ऐसे ऐसे, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने आपको आना चाहिए, उसके बाद खींचिए इसको, ठीक है। तो ऐसे खींचिएगा, उसके बाद यहाँ पे वैसे पहुँच जाएगा, उसके बाद क्या करिएगा, नीचे आइएगा, तो नीचे मेरा क्या होगा, वो गिनती लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक मेरा गिनती लिखा आ रहा है, ओके गाइज, गिनती लिखा आ गया, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करने का आपको बता देते हैं, यहाँ पे क्या एरर आ सकता है वो बताते हैं। जैसे देखिएगा आप क्या करिएगा, यहाँ पे आइएगा और उसको ऐसे खींचिएगा, ठीक है। तो ऐसे खींचिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, अगर आप ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, वो ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ एरर आ सकता है, वैसे आप पहले क्या करना है आपको, जैसे आप जैसे यहाँ पे ये चीज़ लिखे, ठीक है, तो आपको ऐसे ही नहीं डब्बा को ऐसे ही खींचना है, तो 1-1 लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे एरर आ सकता है, आप जो भी लिखे हैं, जो भी चीज़ आपको लिखे हैं, उसको क्या करना है, पहले आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 11 लिखे हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लिखे हैं 12 लिखे हैं, ओके। तो पहले आपको सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, वहाँ पे जाए पहले, सबसे पहले वहाँ पे ले जाना है अपना, उस सेल पे ले जाना है, उस सेल पे ले जाने के बाद डबल टैप करना है, उस सेल पे डबल टैप करना है, डबल टैप किए उसका जहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पे लीजिए, पूरा डब्बा को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको खींचिए, उसको खींचिएगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे खींच लीजिएगा तो वहाँ तक लिखा आ जाएगा, उसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा पूरा लिखा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 100 तक, ओके गाइस, ये चीज़ हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और आपको बता दें, जैसे कि इधर जगह चलते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं क्या, ये मेरा जो है, जैसे हमने पूरा रो को सेलेक्ट, कॉलम को सेलेक्ट करना आपको बताया है, इस कॉलम को और इस कॉलम सब इतना को साइज हम एक ही बार में करना चाहते हैं, तो कंट्रोल बटन दबाइए और यहाँ तक सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पूरा सेलेक्ट हो गया यहाँ तक, उसके बाद इसको ऐसे खींचिए, ठीक है। जैसे देखिएगा फिर से देखिए, यहाँ पे जाइए, इस वाले रो को सेलेक्ट करिए, इस वाले कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया, इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हम शिफ्ट बटन दबाएंगे और जहाँ तक हम चाहते हैं वहाँ तक सेलेक्ट करें, शिफ्ट दबाइए यहाँ तक आ जाएगा, देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। अब इतना को हम चाहते हैं क्या, साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो साइज छोटा हो जाएगा तो एक ही कॉलम को आप करिए, सब कॉलम पर अप्लाई होगा जितना को आपने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए वो पूरा को छोटा हो गया, ठीक। हम चाहते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो एक कॉलम को आप जितना चाहते हैं बड़ा, सब उतना ही बड़ा हो जाएगा, तो देखिए सब उतना ही बड़ा हो गया। सेम आप क्या कर सकते हैं, सेम आप इस रो के लिए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नीचे, जैसे यहाँ पे इस रो को हम सेलेक्ट किए, ठीक है। आप फिर से जितना को चाहते हैं उतना को सेलेक्ट करिए, तो इतना को हम चाहते हैं सेलेक्ट करना, तो उस पर जाने से पहले आपको शिफ्ट इंटर करना है, शिफ्ट को प्रेस करिए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिए, तो देखिए पूरा रो सेलेक्ट हो गया है। और फिर से एक ही रो के साथ आप जो काम करिएगा वो सबके साथ होगा, जैसे इसका साइज छोटा करिएगा तो वहाँ हो जाएगा छोटा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करिएगा तो सबका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे वो सबके लिए अप्लाई होगा, ओके गाइस। तो यहाँ यहाँ पे जब जैसे थे वैसा ही छोड़ देते हैं इसको, ओके। तो आई थिंक आपको ये भी फीचर, इसका जो बेसिक चीज़ है वो कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आया होगा, ओके गाइस। तो यहाँ पे हम इसका कोशिश किए हैं बेसिक बेसिक चीज़ बताने का, तो ये एटलीस्ट इतना चीज़ आपको आना चाहिए जो हम कैसे यूज करेंगे, ओके गाइस। तो आई थिंक आपको ये सब मालूम चल गया हो, तो गाइस आगे आगे कंटिन्यू करते हैं, और अभी हम लोग बात करेंगे MS Excel में फाइल टाइप के बारे में, ओके गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फाइल टाइप के बारे में MS Excel में। तो हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा है, आप लोग भी अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए, सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करना है हमने पिछले सेशन में बता दिया है गाइस। तो चलिए अब आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद ऊपर में देखिएगा बहुत सारा यहाँ पे टैब दिया गया है, चलिए थोड़ा सा जूम करके बताते हैं आपको, यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा टैब दिया गया है, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे टैब दिया गया, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं गाइस, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारा टैब दिया गया, तो वो सब टैब को हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले क्या है, पहले यहाँ पे देख सकते हैं फाइल टैब है, ठीक है, पहले क्या है फाइल टैब, उसके बाद होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू एंड व्यू। तो ये सबसे ज़्यादा मेन यही है, ये जो इतना टैब है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो भी है MS Excel में यही है, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और वहाँ पे हम कोशिश करेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ओके गाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अभी फाइल टैब के बारे में, ये जो है फाइल टैब, इस फाइल टैब के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, ओके गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब आप फाइल टैब पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने फाइल टैब पे गया है, फाइल टैब पे जाना है और इंटर करना है, फाइल टैब पे जाएंगे वैसे ही आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो पहले यहाँ पे देखिएगा न्यू है, तो न्यू पे क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे न्यू ब्लैंक, सबसे ऊपर में क्या है ब्लैंक वर्कबुक, तो यहाँ पे जाके आप ब्लैंक क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैंक करने का मतलब इस पे जाइएगा तो आपको एक ब्लैंक क्रिएट होकर आएगा, ठीक है, तो ब्लैंक क्रिएट कर सकते हैं वैसे। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारा आपको टेम्पलेट मिलेगा,
बहुत सारा आपको टेम्पलेट मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा वेलकम टू एक्सेल ये वाला, उसके बाद फॉर्मूला ट्यूटोरियल, पावर क्विज ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे बहुत सारा आपको, यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको मिलेगा, क्या बिल्ट इन मिलेगा, क्या बिल्ट इन मिलेगा। तो जिस भी प्रकार का आपको चाहिए होगा उस प्रकार का आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। ओके गाइज, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम बिजनेस वाला में जाते हैं, तो बिजनेस वाला यहाँ पे थोड़ा सा जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन रहेगा उसे आएगा, और अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। ओके गाइज, तो अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो यहाँ पे आपको बहुत सारा बिल्ट इन आ जाएगा सीट, तो वहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हैं। ओके गाइज, उसके बाद ये हो गया, यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत सारा दिया गया है, तो यहाँ पे आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जिस भी प्रकार का आपको चाहिए होगा उस प्रकार से आप उस पर क्लिक करके, जैसे देखिएगा हम यहाँ पे ये वाला एकेडमी कैलेंडर पे जाते हैं, तो इस पर इंटर करेंगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर इसमें कोई चेंजेज करना होगा तो चेंज करके आप उसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो न्यू वाला में आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है। ओके, तो आई थिंक आपको न्यू वाला में समझ में आ गया, इसको आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। होम वाला में रहिएगा तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, जैसे न्यू पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोर टेम्पलेट पे आइएगा तो वही वाला सेम चीज़ ओपन हो जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद है ओपन, तो यहाँ पे आपका पहले से अगर कोई चीज़ बना हुआ है, कोई वर्कशीट अगर आपको बना हुआ है, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जाइएगा, जिस भी आपको फोल्डर है तो उस फोल्डर पे जाकर वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो बनाइए रहेगा, जो आप यूज किए रहेगा, तो यहाँ पे आपको रिसेंट वाला मिल जाएगा। जैसे एम एक्स एक्सेल ट्यूटोरियल करके मेरे पास है, तो यहाँ पे बता रहा है जहाँ ये वाला है, तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसका एड्रेस भी बता रहा है, जो वन ड्राइव में है, पर्सनल में है, डॉक्यूमेंट वाले में है ये। ठीक है, जैसे एक और यहाँ पे क्या है, डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप वाले बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पे आप, जिस पीसी में रहेगा तो वहाँ पे जाकर आप खोज सकते हैं उसको और ओपन कर सकते हैं। उसके बाद शेयर वाला ऑप्शन है, तो शेयर वाला ऑप्शन आप जिस प्रकार से आप शेयर करना चाहते हैं उस प्रकार से आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इन्फो, तो इस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा। उसके बाद क्या है, सेव है, तो जो भी आप वर्क वो को सेव करना चाहते हैं वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी सेव करना था सेव एज में आइएगा, सेव एज में जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं उसका आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद जिस भी प्रकार में पीडीएफ वगैरह में आप जिस भी प्रकार में करना चाहते हैं सेव, उस प्रकार से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रिंट वाला ऑप्शन, तो प्रिंट वाले ऑप्शन में आएगा तो यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए देगा। उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन देगा, जैसे यहाँ देखिए सेटिंग में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए प्रिंट एक्टिव सीट, जिस भी सीट में रहिएगा उसको, या फिर प्रिंट सिलेक्शन, जो भी आप सेलेक्ट किए रहेगा वो सिर्फ प्रिंट होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए वो सब आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम बताए, तो चलिए पहले ओपन कर लेते हैं अपना एम एक्स ट्यूटोरियल वाले। ठीक है, तो ये ओपन कर लिए, और चलिए हम इतना को प्रिंट करके बताते हैं। जैसे यहाँ पे आइए सेलेक्ट कर लेते हैं इतना को, अब यहाँ पे फाइल वाले में ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे प्रिंट वाले ऑप्शन पे, तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा जो भी आप काम किए रहेंगे अपने वर्क बुक पे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत जितना भी हमने काम किया है वो आ गया है, एक पेज में जितना आएगा उतना आएगा। ठीक है, अगर आप इतना करते हैं प्रिंट ओनली सेक्शन, तो जो भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था अभी वही सिर्फ प्रिंट होगा। ठीक है, अगर चाहते हैं इंटायर वर्क बुक प्रिंट हो, तो यहाँ पे देखिएगा इंटायर वर्क बुक प्रिंट हो जाएगा, एक पेज में जितना आएगा प्रिंट एक्टिव सीट वर्क, तो यहाँ पे वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रिंट वाला ऑप्शन है, तो उस प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्टेड कर सकते हैं, अनकलेक्टेड कर सकते हैं उसका, तो किस यहाँ पे पोटिटो या फिर लैंडस्केप का है तो पोटिटो और लैंडस्केप में भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ए फोर साइज यहाँ पे दिया गया है, फिर यहाँ पे आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, जो मार्जिन मेरा कैसा रहना चाहिए, नॉर यहाँ पे मार्जिन कैसा रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, नो स्केलिंग, तो यहाँ पे आप स्केलिंग भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो किस प्रकार से मेरा प्रिंट होके आएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो एक्सपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं अपना। उसके बाद क्लोज है, तो क्लोज वाले में जाकर आप अकाउंट अपने क्लोज कर सकते हैं जो भी ओपन किया है उसका। ओके गाइस, ये सब हमने कैसे किया, ये हमने पिछले वाले सेशन में कर लिया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, जैसे यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन में जैसे जाके डरी डरी रह गया, तो ये डरी डरी ये बता रहा है ये इतना सेक्शन मेरा क्या होगा, प्रिंट हो गया आएगा। देखिएगा एक अजीब तरह का डरी डरी हो गया है, तो ये बता रहा है एक पेज में इतना ही चीज़ प्रिंट हो गया आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए दिखाते हैं आपको, देखिएगा ये यहाँ पे डरी डरी करके आ रहा है, इसलिए बता रहा है इतना ही चीज़ प्रिंट होके आएगा अगर आप प्रिंट करेंगे तो। ठीक है, तो जिस भी प्रकार से आप प्रिंट करना चाहते हैं उस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट में उसको अरेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो फाइल वाले ऑप्शन में क्या क्या चीज़ था वो हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या चीज़ था, तो यहाँ पे जो भी चीज़ था हमने देख लिया है। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है। ओके गाइस, और यहाँ पे कुछ कुछ और एक्स्ट्रा बता दें, जैसे आप एक्स्ट्रा चीज़ सीट ऐड करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा सीट ऐड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा सीट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा सीट ऐड हो गया तो उसको डिलीट करना चाहते हैं तो सीट पे जाइएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इसका रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे सब कुछ के बारे में जानेंगे, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। ओके गाइस, और यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, तो
तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन में जाते हैं, और ये जो सेक्शन वाला था सेक्शन वाला को हटा देते हैं और एक्टिव सीट कर देते हैं, ताकि यहाँ पे डरीर जो भी था वो डरीर का कोई वैल्यू ना रहे। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो फाइल वाले टैब को यहाँ पे हमने डिस्कस करने का कोशिश किया जो भी उसके बारे में था। ओके गाइस, तो इस पे अगर आप कोई भी यहाँ पे आपको डाउट हो या फिर कोई भी आपको यहाँ पे क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में ना आया हो, तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, और अगले सेक्शन करेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।